क्राइसिस ऑफ इथाइल एसिटेट। ये रिएक्शन दिखने में लगती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअल में होती है शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शूडो का मतलब यानी कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इथाइल एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोल और वाटर की है 10 मोल। तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हो रही है वो एसिटिक एसिड 0.01 मोल बन रहा है और इथाइल एल्कोहल भी 0.01 मोल बन रहा है। अब जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है आप देख सकते हो कि इसका अमाउंट बहुत कम है और वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। तो जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है यानी अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उसका रेट पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी सिर्फ जो इथाइल एसिटेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का ही रेट पर इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेट पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता।